जोधपुर के पाटन में गौ माता महाआरती महायज्ञ के संस्थापक विवेक साहू और फिदाऊ सरकार गौ माता महाआरती का क्रम लगातार जारी रखे हुए हैं। लगभग 1.5 साल से वह पाटन में गौ माता की आरती कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। गौ भक्त विवेक साहू और फिदाऊ सरकार की कोशिश रंग ला रही है और बड़ी संख्या में गौ भक्त उनके साथ जुड़ रहे हैं। चाहेंगे होली भी है, गौ माता की महाआरती आज हुई, किस तरह का आयोजन रहा? राष्ट्र माता गौ माता की जय हो। हाँ, प्रत्येक शनिवार की गौ माता महाआरती महायज्ञ करीब 1.5 वर्ष से चली आ रही है। हाँ, इसमें हमारे सब साथी धार्मिक लोग आगे से आगे जागरूकता के लिए लगे हुए हैं और होली है तो होली पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ और गौ माता की कृपा सब पे बनेगा। मेरा यही बार बार कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और भारतीय मुद्रा में उनको स्थान दिया जाए और गौ माता मुक्ति धाम बनाया जाए। मेरा सभी धर्मगुरु बड़े बड़े राजनेता शासन प्रशासन से यही अपील करता हूँ और मांग करता हूँ कि मेरे इस आयोजन को मैंने शुरू किया गौ माता की जागरूकता के लिए और इसे आगे बढ़ाया जाए। जिस दिन गौ माता की पूरे भारतवर्ष में पूजन अर्चन होने लगेगी उस दिन भारत विश्वगुरु कहलाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। पहले का समय था हर घर में गाय रहती थी तो इसीलिए विश्वगुरु कहलाता था और सोने की चिड़िया कहलाती। राष्ट्र माता गौ माता की जय। जैसे सर्वप्रथम तो मैं गौ माता की जय बोलूंगा, बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय और वृंदावन बिहारी लाल की जय, जो कि गौ माता है। तो सर्वप्रथम मैं एक साधारण उदाहरण दे देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान थे जो गौओं को चराते थे, उन्होंने ही लीला प्रारंभ की थी। और होली का त्यौहार, होली का त्यौहार सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने ही प्रारंभ किया था वृंदावन में, जो आज ही संपूर्ण भारतवर्ष में विकसित है। और यह त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसमें ऊंच नीच जात पंथ सभी संप्रदाय को एक साथ मिलाकर सबको गले मिलकर यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आज के इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह त्यौहार धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। जिस प्रकार से नाना प्रकार के कलर जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो लोगों से यही आग्रह करूंगा ये पाश्चात्य संस्कृति के जो आधुनिक कलर हैं उनका उपयोग न करके हमारे देसी कलरों का उपयोग करें और एक साथ समझौते की व्यवस्था बनाकर यह त्यौहार मनाएं। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।